खबर उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मसूरी नगर पालिका की ओर से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नियुक्तियों में आरक्षण के मामले में सुनवाई की है। सरकार को 2 दिन के भीतर आरक्षण रोस्टर के संबंध में जवाब देने को कहा है। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 13 सितंबर की तिथि भी नियत की है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। माननीय उच्च न्यायालय का पहले से ही आदेश था एक PIL में कि हमें अपने रिक्रूटमेंट पूरा करना है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। हम भर्ती इसलिए नहीं करवा पा रहे थे, एडेड इंस्टीट्यूशन है, काम ये मैनेजमेंट को करना है, पर इसके पहले हमें रिजर्वेशन रोस्टर का अप्रूवल सरकार के से लेना था। ये इशू रिजर्वेशन रोस्टर का सरकार के पास काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। एक PIL की गई थी पहले कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा कि क्योंकि उनका सही से टीचिंग नहीं हो पा रही है, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आप रिजर्वेशन रोस्टर अप्रूव करें, सरकार को कहा या अप्रूव्ड रजिस्टर लाएं, और हमें डायरेक्ट किया कि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस विद इन टाइम पीरियड।